This is Akash and I'm back with another video. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TikTok नामक एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप TikTok यूजर हो तो ये आपके लिए बहुत बुरी खबर होने जा रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok नामक एप्लीकेशन पर लगा दी है बैन और TikTok को Google Play Store से और Apple App Store से हटा दिया है। अगर आपको पता नहीं है कि TikTok क्या है तो हम आपको बताते हैं, आखिर ये TikTok नामक कीड़ा है क्या। ये इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा जंगल है जहाँ कुछ बहुत ही अनोखी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि ये निम्डा डोजरस टेलमी हर तबुश क्राक ओइक निम बोमला मोहिनो जुकु लोहकुए उन कास्ता मिनो पीजरा शुकुए। ये देखने के बाद आपको और देखने की भावना हो रही है ना, मुझे पता है। लीजिए और मजा लीजिए और देखिए कुछ अनोखी प्रजातियाँ। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। तुम इतने प्यारे लगे। कौन है वो? पता नहीं कौन है। तुम... पीछे देखो, पीछे। पीछे तो देखो। किधर किधर किधर? उधर देखो। मुर्गी है, मुर्गी मुर्गी है। मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ये अनोखी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। जब इनसे पूछा गया टिकटॉक बंद होने के बाद क्या करने वाले हैं आप? चट्टी मोमबत्ती का दुकान खोलेंगे, दिमाग की दही कर रखी है। अरे हमसे क्या पूछते, उनसे पूछो, फैजुल से पूछो, मंजुल से पूछो, और दो लड़के ने बहुत आठ बहुत आठ, और सुलौंडे से पूछो, इसराइल से, वो क्या करेगा। दस का दो चप्पल मुझे चाहिए, जल्दी दो। नहीं रे बाबा, चप्पल नहीं देगी। 10 रुपया दे और दो चप्पल का बा... टिकटॉक बंद होने के बाद आप क्या करने वाले हो? कौन बदतमीज भोकड़ा है? बोलो टिकटॉक जिंदाबाद। दोस्तों ये टिकटॉक नामक ऐप इतनी एडिक्टेड है कि इसने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का दिमाग खराब करके रख दिया है। लोग दिन रात इस ऐप पर जाकर टैलेंट के नाम पर अपनी बकचोदी पेलते रहते हैं। देखिए इन नमूनों की कुछ करामाते। बोलना कौन है तेरा बेटा? राजवी शेखावत, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, बैच नंबर 57। जय सर, डर लग रहा है? नो सर। शादी हुई है? 2 साल पहले हुई है सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर, मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए, मिल जाएगा सर। भाई ये बुड्ढा तो कतई ही जवान हुआ पड़ा है। कोर्ट ने लगाए हुए बैन का सदमा इन पर इस कदर चढ़ा है कि अब मनोविकार तज्ञों ने भी इनका इलाज करने से कर दिया है मना। आखिर इन अनोखी प्रजातियों का अब क्या होगा? तो आपको अगर ये जानवर खुले में घूमते दिख गए तो तुरंत वहां से भाग ले, वरना इनका असर आप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रजातियां बहुत ही भयंकर मानी जाती है। और अब बैन लगने के बाद सदमे के कारण ये प्रजातियां और भी खूंखार हो गई है। आजा।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल AK ब्रदर्स वायरल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर करना और लाइक करना ना भूले। जय हिंद।